Okay, students, let us take problems based on discount part, and that is also of bills of exchange. इसमें हमने last time देखा theory पूरा. What is present worth? What is true discount? What is sum due? Or you can say face value of a bill. What is bankers discount? What is bankers gain? ये सब अलग अलग terms और पूरा उसका process देखा. Now from miscellaneous examples, miscellaneous exercise, we are taking question number 14. Question number 14. A bill of rupees 4,800 was drawn on 9th March at 6 months and was discounted on 19th April 2006 at 6 integer 1/4 percentage per annum. How much does the banker charge and how much does the holder receive? This is a question. Bill of rupees 4,800. मतलब हमारा जो face value दिया है हमको 4,800 bill of rupees मतलब face value drawn on मतलब date of bill drawn date of bill drawn that is 9th March 2006 at 6 months matlab this is a period of the bill 6 months and the date of bill discounting kya hai date of bill discounting 19th April rate is given 6 integer 1/4% per annum that can be written as 25/4 percentage per annum एंड हमको क्या फाइंड करना है तो क्या बैंकर कितना चार्ज करने वाला है दैट इज बैंकर्स डिस्काउंट एंड विद दैट हाउ मच डज द होल्डर विल रिसीव होल्डर विल रिसीव दैट मीन्स कैश वैल्यू बैंकर जो है अपना बैंकर्स डिस्काउंट काट लेगा और बाकी का पैसा हमें रिटर्न करेगा
दैट इज गोइंग टू बी द कैश वैल्यू। तो सबसे पहले हम डेट पे आते हैं, जो डेट ऑफ बिल ड्रॉन है उसमें अपन 6 मंथ ऐड कर देंगे, वी विल बी गेटिंग नॉमिनल ड्यू डेट। जरा सभी लोग अपने आप कैलकुलेट भी करें, मैं भी गिनवा रहा हूं आपको। मार्च के बाद 6 महीना आपको ऐड करना है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, डेट 9th सितंबर 2006। और अभी लीगल ड्यू डेट पे आइए, दैट इज नॉमिनल ड्यू डेट जो आया है उसमें 3 दिन एड कर दीजिए, 10th, 11th और 12th, 12th सितंबर 2006। तो लीगल ड्यू डेट जनरेट हो गई है। अब हमने बिल को डिस्काउंट करा है 19th अप्रैल को, तो 19th अप्रैल से बिल जो है वो बैंक के पास रहेगा, और बैंक के पास वो लीगल ड्यू डेट तक, मतलब इन शॉर्ट यू कैन से ड्यू डेट तक 12 सितंबर तक बैंक के पास ही पड़ा रहेगा। सो बैंक के पास कितने दिन पड़ा रहेगा उसका हमें कैलकुलेशन करना है। सो नंबर ऑफ डेज बिटवीन डेट ऑफ बिल डिस्काउंटिंग टू द लीगल ड्यू डेट इसका मतलब है नंबर ऑफ डेज बिल इज केप्ट बाय द बैंक, दैट इज डेट ऑफ बिल डिस्काउंटिंग क्या है 19th अप्रैल, से लेकर 12th सितंबर। सो अप्रैल से हम गिनना शुरू करते हैं, सो अप्रैल 19th से अप्रैल मंथ में और कितने दिन बचते हैं, अप्रैल मंथ में 30 डेज होते हैं, 30 डेज तक 19th अप्रैल से वी आर ऑन 19th अप्रैल। अप्रैल कंप्लीट होने के लिए इलेवन डेज, मई पूरा 31 डेज, जून पूरा 30 दिन, जुलाई 31, अगस्त 31 और सितंबर 12 तक पहुंचना है, तो 12 दिन सितंबर के एग्जॉस्ट करने पड़ेंगे। ओवरऑल कितने दिन तक बैंक के पास बिल पड़ा रहेगा, मतलब टोटल इट वन फोर्टी सिक्स डेज, मतलब कि बैंक जो है वो आपसे 146 डेज का बैंकर डिस्काउंट एक प्रकार से इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो भाई बैंक अपने को वो फेस वैल्यू के ऊपर चार्ज करेगा, जो बिल पे अमाउंट रहेगा उस पे वो चार्ज करेगा। सो 4800 के ऊपर 146 दिन के लिए, और वो भी 25/4% के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है वो अपने को निकालना पड़ेगा। सो फाइंड आउट बैंकर डिस्काउंट,
फेस वैल्यू इंटू एन अपॉन हंड्रेड इंटू आर अपॉन हंड्रेड इंटू एन अपॉन दिस विल बी थ्री अपॉन 365 बिकॉज दिस एन इज इन टर्म्स ऑफ डेज. तो एन अपॉन 365 यू हैव टू कन्वर्ट इन द ईयर. सो अपॉन 365 सो बैंकर डिस्काउंट फेस वैल्यू 4800, रेट ऑफ इंटरेस्ट 25/4 इंटू 1/100 एंड 146/365 4 से कैंसिल होता है. देखो फाइव से कैंसिल होता है. और ये 73 का 2 से मल्टीपल है. 73 2 सा सो एट लास्ट 60 × 2 इज रिमेनिंग रुपीज 120 इज योर बैंकर्स डिस्काउंट. देखो तो बैंक विल चार्ज दिस मच एंड रिमेनिंग अमाउंट हमें रेमिट कर देगा अगेंस्ट दैट बिल डिस्काउंटिंग. सो कैश वैल्यू दैट इज फेस वैल्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट दैट इज 4800 माइनस 120 दैट इज 4680 रुपीज 4680 दिस इज व्हाट द कैश वैल्यू. आपने वो कैश वैल्यू भी पूछा है हाउ मच does the holder receive, that is going to be the cash value. So banker discount and cash value dono humne find out kar liya. The number of days ka calculation important hai. Breakdown. Let us take question number 10th. A bill was drawn on 14th April for rupees 3500. And was discounted
on 6th July 2005 at 5% per annum the banker paid rupees 3465 for the bill. Find the period of the bill. ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पीरियड ढूंढने के लिए पूछा है हमको क्वेश्चन में. क्या डिटेल दिया है, एक तो डेट ऑफ बिल ड्रॉन और बिल कितने का है 3500, दैट इज द फेस वैल्यू. डेट ऑफ बिल ड्रॉन 14th April 2005, फेस वैल्यू रुपीज 3500. डेट ऑफ बिल डिस्काउंटेड 6th July 2005, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम. बैंकर पेड मतलब बैंक ने बैंकर डिस्काउंट काट लिया और कितना पेमेंट कर दिया, तो के कैश वैल्यू रुपीज 3465 एंड वी हैव टू फाइंड पीरियड ऑफ द बिल. पीरियड ऑफ द बिल ये आपको ढूंढना है, कितने महीने के लिए बिल ड्रॉ हुआ है ये आपको बताना है. तो सबसे पहले तो हमको कैश वैल्यू पता है और फेस वैल्यू पता है, तो जो डिफरेंस होगा वो बैंकर डिस्काउंट होगा. तो सबसे पहले बैंकर डिस्काउंट निकालते हैं हम, फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू. थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस 3465 दैट इज रुपीज 35. बराबर है, मतलब कि बैंक ने 35 रुपीज हमारे से चार्ज लिया है ऑन बिल डिस्काउंटिंग एट 5% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो जो हम बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला लागू करते हैं तो हमें नंबर ऑफ डेज का पता लग सकता है कि कितने दिन के लिए बिल जो है वो बैंक के पास रहा है. दैट मीन्स नंबर ऑफ डेज बिल रिमेन्स विद बैंक. मतलब जब भी बिल मैंने बिल को डिस्काउंट कराया है उस दिन से लेकर लीगल ड्यू डेट तक का अपने को हिसाब मिल जाएगा नंबर ऑफ डेज के टर्म्स में. सो लेट मी अप्लाई दिस फॉर्मूला. बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू इनटू आर अपॉन 100 इनटू एन अपॉन 365. हियर एन इज नंबर ऑफ डेज बिकॉज आई हैव टेकन अपॉन 365 फॉर कंसिडरिंग इट इन इन टर्म्स ऑफ ईयर्स, बट वी आर गोइंग टू गेट नंबर ऑफ डेज बिल रिमेन्स विथ बैंक. आप इसको सीधे शब्दों में बोल सकते हैं नंबर ऑफ डेज बिटवीन डेट ऑफ बिल डिस्काउंटिंग एंड लीगल ड्यू डेट. तो बैंकर डिस्काउंट सब्स्टिट्यूट करो, मिला है फेस वैल्यू 3500, रेट 5/100, एन मालूम नहीं है अपॉन 365.
कैंसल वो जो भी हो रहा है, बाकी का अपन लेफ्ट हैंड साइड में उसको ट्रांसफर कर लो. सो एन इज इक्वल्स टू 35 इंटू 100 इंटू 73 अपॉन 3500. 20 कैंसल, 35 स्ट्रेट अवे कैंसल, एन इज इक्वल टू क्या बचा 73 एंड दिस इज गोइंग टू बी द 73 डेज. इन टर्म्स ऑफ डेज पकड़ा है ना हमने एन को. सो दिस मच ऑफ दिस मेनी डेज, ये इतने दिन बैंक ने अपने पास बिल रखा होगा और इतने दिन का हमारे से बैंकर डिस्काउंट 35 रुपीज उससे हमने चार्ज लिया हुआ है. तो हमको डेट ऑफ बिल ड्रॉन 14 अप्रैल 2005 दिया है. यहां से आगे बढ़ते हुए डेट ऑफ बिल डिस्काउंटिंग 6 जुलाई. ये हमें मालूम है. और यहां होगा लीगल ड्यू डेट. तीन दिन पीछे आ जाएंगे, यहां होगा नॉमिनल ड्यू डेट. बैंक ने अपने पास 6 जुलाई से लेकर लीगल ड्यू डेट तक का, मतलब कि 73 डेज का इंटरेस्ट लिया है, बैंकर डिस्काउंट लिया है. आप सोचिए, ये चार्ट मैंने ड्रॉ किया आपके सामने, 6 जुलाई पे मैं डेट ऑफ बिल डिस्काउंटिंग किए हूं, उससे 73 डेज को आप ऐड कर लीजिए, 73 डेज को आप ऐड कर लीजिए, तो आप कहां पहुंचेंगे, लीगल ड्यू डेट पे पहुंचेंगे. लीगल ड्यू डेट में 3 दिन माइनस कर लीजिए तो आप नॉमिनल ड्यू डेट पे पहुंचेंगे. और नॉमिनल ड्यू डेट से आपका डेट ऑफ बिल ड्रॉन कंपेयर करना, डेट टू डेट एग्जैक्ट मंथ का हिसाब तुमको मिलना है. मतलब नॉमिनल ड्यू डेट जो भी आएगा, मैं अभी से बोल सकता हूं, जो भी डेट आएगा 14th आएगा. महीना अभी मेरे को पता नहीं है, मैं थोड़ा कैलकुलेशन पे उतरूंगा, मंथ क्या आएगा वो भी मेरे को पता चल जाएगा. बट एटलीस्ट आई कैन अश्योर दैट डेट ऑफ द नॉमिनल ड्यू डेट विल बी 14th. विच मंथ इट विल बी देयर वी नीड टू कैलकुलेट. तो 73 डेज ऐड करेंगे. मैं खड़ा हूं डेट ऑफ बिल डिस्काउंटिंग पे. सो हियर आई एम मेंशनिंग लीगल ड्यू डेट. इक्वल्स टू डेट ऑफ बिल डिस्काउंटिंग प्लस 73 डेज. दैट इज 6 जुलाई में आप 73 डेज ऐड करें. तो 73 डेज आपको फॉरवर्ड आना है डेट ऑफ बिल डिस्काउंटिंग से लेकर 6 जुलाई से लेकर.
जुलाई में 31 days रहते हैं और 6 जुलाई के बाद 31 days कंप्लीट होने के लिए पच्चीस दिन बचते हैं। तो जुलाई के 25 days मैं आगे बढ़ चुका हूं और मैं आया हूं July 31 पे। तो 73 days में ये 25 दिन एग्जॉस्ट हो गए। अब 48 days रिमेनिंग और हमको आगे जाने बनते हैं। सो नाउ कंप्लीट मंथ ऑफ ऑगस्ट ऑफ 31 days वी कैन कम फॉरवर्ड। हम पहुंचेंगे 31 अगस्त पे और 31 days अगस्त के निकाल देंगे। तो 17 दिन बचेंगे और अब देख लीजिए 17 दिन सितंबर के मंथ में हमको आगे बढ़ने मिलते हैं। पूरा महीना कंप्लीट नहीं होगा। वी विल बी स्टैंडिंग ऑन 17 सितंबर आफ्टर कमिंग फॉरवर्ड रिमेनिंग 17 days। मेरे सब दिन एग्जॉस्ट हो गए। देखो 73 days में आगे आ चुका हूं और मैं कौन से दिन पे पहुंचा हूं? 17 सितंबर 2005 पे पहुंचा हूँ। कब से शुरू किया था मैंने? 6 जुलाई से शुरू किया था। 73 days मैंने उसमें मैं आगे चला गया। आई एम स्टैंडिंग ऑन 17 सितंबर एंड दैट इज अवर लीगल ड्यू डेट। सो लीगल ड्यू डेट इज इक्वल्स टू 17 सितंबर 2005 एंड नाउ लीगल ड्यू डेट में मैं ये 3 दिन पीछे आ जाऊं तो मुझे नॉमिनल ड्यू डेट मिलेगा। ये है 17 सितंबर जो मुझे मिला है। मैं ये चार्ट में भी लिखते जाता हूं देखो। और 3 दिन उसमें निकाल दो तो 17 से 3 दिन पीछे आ जाओ तुमको नॉमिनल ड्यू डेट मिलेगा। सेवेंटींथ सितंबर माइनस 3 days दैट इज 14 सितंबर। ठीक है, अब 14 सितंबर नॉमिनल ड्यू डेट पे आ गया हूं। देखो मेरा आ गया डेट 14th। मैंने बताया था डेट विल बी द सेम। तो 14 सितंबर शुरू आप करिए डेट ऑफ बिल ड्रॉन से 14 अप्रैल और पहुंचिए नॉमिनल ड्यू डेट पर। ये देखिए डेट ऑफ बिल ड्रॉन से लेकर मुझे नॉमिनल ड्यू डेट तक की डेट के बीच कितने महीने मिलते हैं? तो okay, अप्रैल से शुरू करेंगे। 14 अप्रैल से मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। आइए सितंबर 14th पे अटकेंगे तो एग्जैक्टली कितने महीने बनते हैं? 5 महीने। 14th to 14th अप्रैल टू सितंबर। सो फाइनली
नंबर ऑफ मंथ्स बिटवीन डेट ऑफ बिल ड्रॉन एंड नॉमिनल ड्यू डेट, इसको मैं बोलना चाहूंगा पीरियड ऑफ द बिल, पीरियड ऑफ द बिल दैट इज 14th अप्रैल 2005 और नॉमिनल ड्यू डेट 14th सितंबर 2005। फाइव मंथ्स, कितने मंथ्स है? फाइव मंथ्स, एंड देयरफॉर द बिल वुड हैव ड्रॉन फॉर द पीरियड ऑफ फाइव मंथ्स, मींस यू कैन से पीरियड ऑफ द बिल इज इक्वल्स टू फाइव मंथ्स। ये क्वेश्चन रिवर्स कैलकुलेशन पे गया क्योंकि हमें प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा फॉरवर्ड नहीं जाना था कि भाई डेट ऑफ बिल ड्रॉन से लेके हम लीगल ड्यू डेट तक का सफर, उसमें डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेकर लीगल ड्यू डेट के हम नंबर ऑफ डेज निकालते हैं, ये हम उल्टा आए ना। तो 73 डेज पहले से हमको पता है, वो 73 डेज हमने कैलकुलेशन किया है एन का, that was the n under the formula of banker discount which was number of days bill remains with the bank, uska n ka reference alag hai aur yahan hum kahin kabhi n use karte hain, that is period of the bill, to ye clarity aani zaruri hai, n ka matlab aap kaun se context mein lete ho, theek hai। so this way period of the bill can be obtained with the given information। take down fast। चलिए आगे बढ़ते हैं, and now I am taking miscellaneous का question number 15th। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या दिया है, अ बिल ऑफ रुपीस ₹65,700 ड्रॉन ऑन July 10 for 6 months, was discounted for 65,160 rupees. At 5% per annum, on what day was the bill discounted? भाई साहब डेट ऑफ बिल डिस्काउंटिंग पूछ रहे हैं लोग, आगे पीछे करते करते कैसे भी क्वेश्चन लोग फ्रेम कर रहे हैं, देख लो कभी ये पूछा है तो कभी वो पूछा है, कभी ये पूछ रहे हैं, कभी दूसरा तीसरा पूछ रहे हैं। बिल वाज रुपीस, बिल ऑफ रुपीस 65,700, सो दिस इज गिवन फेस वैल्यू, सिक्सटी फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड
drawn on July 10th, in the sense 10th July we supposed to say, that will be your date of bill drawn, date of bill drawn, for 6 month period of the bill, छह महीने के लिए, discounted for, ध्यान रखना ये शब्द discounted for का मतलब है cash value. दो शब्द मैं तुमको वापस रिपीट करवा देता हूं. एक तो ये आ गया डिस्काउंटेड फॉर, मतलब उसका है कैश वैल्यू, और डिस्काउंटेड एट, डिस्काउंटेड एट वो बोलेगा तो होता है अपना बैंकर्स डिस्काउंट. डिस्काउंटेड एट बोला है तो मतलब क्या होता है वो बैंकर्स डिस्काउंट. अभी बोला है डिस्काउंटेड फॉर, सो दिस इज गोइंग टू बी योर कैश वैल्यू ₹65,160. Rate of interest 5% per annum, and we have to find out that, and on what date, on what day was the bill discounted. So date of bill discounting, this you have to obtain. So bhai sahab seedhe hisab se aage badhenge, date of bill drawn diya hai, period 6 mahina diya hai, उसमें तुम ऐड कर दो नॉमिनल ड्यू डेट मिल जाए, 3 दिन और ऐड कर दो उसमें, लीगल ड्यू डेट मिल जाए. यहां तक का कैलकुलेशन हम आगे बढ़ाते हैं पहले, समझ में आ रहा है. सो अप टू लीगल ड्यू डेट यू कैलकुलेट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉमिनल ड्यू डेट इज गोइंग टू बी डेट ऑफ बिल ड्रॉन 10th जुलाई plus 6 months you add, that will be July onwards, 6 months you have to add, July, August, September, October, November, December, January. So it is going to be the January of the next year. So it is going to be 10th January. So now while writing this particular date, 10th January, when I'm writing, मेहरबानी करके सोच लेना तुम लोग कि साल दिया पहले से क्वेश्चन में दिया नहीं है. सो व्हाट इज द ईयर शुड बी रिटन, ईयर पहले से मालूम नहीं है तो नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा, ये जस्ट अपन बोलने के लिए नेक्स्ट ईयर ऐसा हम मेंशन करेंगे, नेक्स्ट ईयर ऐसा हम मेंशन करेंगे. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ईयर का रेफरेंस दिया नहीं है, करंटली ऑन इन विच ईयर वी आर डूइंग दिस पर्टिकुलर bills of exchange, sir, you too. Sir, you are on mute. Sir, alokan hoje apne time right if 4:30. तो नॉमिनल ड्यू डेट तो मिल गया, एड 3 days ऑफ ग्रेस टू गेट द लीगल ड्यू डेट. सो लीगल ड्यू डेट टेंथ जनवरी प्लस 3 days, दैट इज 13th जनवरी
मेहरबानी करके लिखना नेक्स्ट ईयर, क्योंकि उन्होंने ईयर मेंशन नहीं किया है, तो कोई भी ईयर रहेगा बट इट विल बी द नेक्स्ट ईयर नॉट द सेम ईयर। सो ये लीगल ड्यूडेट हमको मिल गया है। अब जरा डिटेल वापस देख लो, आपने डेट ऑफ बिल ड्रॉन से लेकर ये लीगल ड्यूडेट निकाला है, कैश वैल्यू आपको दिया है। सो बैंकर जो हमें बैंकर्स डिस्काउंट हमारे से चार्ज करेगा फ्रॉम द फेस वैल्यू, वो हमको बैंकर्स डिस्काउंट मिल जाएगा क्योंकि कैश वैल्यू अवेलेबल है, फेस वैल्यू भी अवेलेबल है, डिफरेंस विल बी द बैंकर डिस्काउंट। सो फर्स्ट फाइंड आउट बैंकर्स डिस्काउंट, दैट इज फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू 65,700 माइनस 65,160 रुपीज कितना आया 540। दिस इज अ बैंकर डिस्काउंट, बैंक ने इतना हमारे पास से चार्ज किया होगा। अब बैंक ने कितने दिन के लिए चार्ज किया होगा, क्योंकि बैंक ने जितने दिन अपने पास बिल रखा है उतने दिन के लिए बैंक ने अपने पास से ये इंटरेस्ट चार्ज किया होगा। तो बैंक कितने दिन तक बिल रखेगा, क्योंकि डेट ऑफ बिल डिस्काउंटिंग से लेकर लीगल ड्यू डेट तक, लीगल ड्यू डेट तो हमने निकाल लिया है, दिस इज अ लीगल ड्यू डेट अवेलेबल एंड व्हाट इज द डेट ऑफ बिल डिस्काउंटिंग, दैट इज अपने को ढूंढने का है। अब कैलकुलेशन उस हिसाब से जाएगा कि भाई हमारे पास अभी तो डेट ऑफ बिल डिस्काउंटिंग है नहीं, वो तो फाइंड करना है। सो आपको 5% के हिसाब से बैंक ने बैंकर डिस्काउंट ये 540 चार्ज किया होगा। सो इफ वी फाइंड आउट, इफ वी फाइंड आउट द नंबर ऑफ डेज, वो अपने को कैलकुलेशन से मिल जावे किसके फॉर्मूला से, तो के बैंकर डिस्काउंट, क्योंकि बैंकर डिस्काउंट के फॉर्मूला से जो अननोन बातें हैं वो मिल जाएगी, क्योंकि फेस वैल्यू इनटू आर अपॉन 100 इनटू एन अपॉन 365। वंस अगेन आई विल हियर नोट इट डाउन अबाउट दैट एन, एन का क्या मीनिंग लेने हैं, नंबर ऑफ डेज बिटवीन डेट ऑफ बिल डिस्काउंटिंग एंड लीगल ड्यू डेट, है ना, मतलब कि बैंक के पास कितने दिन बिल रहा होगा, दैट इंफॉर्मेशन वी विल बी गेटिंग इन टर्म्स ऑफ एन। अब बैंकर डिस्काउंट अवेलेबल है 540, सब्स्टिट्यूट करिए, फेस वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 65,700, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% गिवन है, 5/100 एन अपॉन 365, एन मिल जाना है भाई साहब, एन यहां मिल जाना है। चलिए कैलकुलेशन करिए, 20 यहां कैंसिल है, 5 से ये 365 को कैंसिल करेंगे, 73 और बाकी को अभी ट्रांसफर कर लीजिए, एन का जानकारी आपको मिल जाएगा 540 इंटू 73 डिवाइडेड बाय 657। मेरा चेक करना पड़ेगा, ये देखो 540 भी 3 का मल्टीप्लाई है और ये 657 भी 3 से मल्टीपल में है, तो इसको डिवाइड करेंगे और ये भी 3 से कैंसिल होगा, अगेन 3 से डिविजिबल है, और ये 73 आ गया, ले 73 कैंसिल हो गया, मतलब कि n इज इक्वल्स टू 60 बच गया, 60 डेज, मतलब कि बिल जो है बैंक के पास कितने दिन तक का रहेगा, 60 डेज तक बिल बैंक के पास पड़ा रहेगा। तो अब जरा देख लीजिए
मैं यहाँ एक स्टेटमेंट भी लिखता हूँ आपके कन्वीनियंट के लिए, अदरवाइज यू कैन गो डायरेक्टली आफ्टर दिस, जो भी नेक्स्ट कैलकुलेशन में मुझे जाना है आई कैन फोकस ऑन दैट डायरेक्टली. सो देयरफॉर बिल इज केप्ट विथ बैंक फॉर 60 डेज, फॉर 60 डेज. And now I will be showing once again for that chart. Date of bill drawn. यहाँ आ जाने दीजिए legal due date. यहाँ आ जाएगा nominal due date. यहाँ किधर आपको देना पड़ेगा डेट ऑफ बिल डिस्काउंटिंग. भाई साहब डेट ऑफ बिल ड्रॉन क्या है? 10th जुलाई. डेट ऑफ बिल डिस्काउंटिंग क्या है? तो क्या वो तो ढूंढना है जी, तो क्या वहां अपने को क्वेश्चन मार्क. नॉमिनल ड्यू डेट ये सब वगैरह का इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है. 10th जनवरी, नेक्स्ट ईयर. और लीगल ड्यू डेट जो है 13th जनवरी, अगेन नेक्स्ट ईयर. ओके, ये अपने के पास अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है. हमने बिल जो बैंक से डिस्काउंट कराया है, बैंक ने अपने पास वो बिल 60 दिन तक रखा है, मतलब कि बिल बैंक तो रखती है ड्यू डेट तक. तो ड्यू डेट तक कहां से लेकर, तो कहीं देखो भाई बिल डिस्काउंट किया है तब से लेकर लीगल ड्यू डेट तक ये जो फासला है दिस इज ऑफ 60 डेज. 60 दिन का फासला है. अब भाई साहब आपके पास लीगल ड्यू डेट है, देख लो 13th जनवरी पे आप खड़े हो, पीछू आ जाइए 60 दिन पीछे आ जाइए तो आपको डेट ऑफ बिल डिस्काउंट मिल जाएगा भाई. ये देखो ना सीधा हिसाब दिखता है, चार्ट बना लेने का है. सो यू विल बी गेटिंग इजी आइडिया विदाउट एनी कंफ्यूजन. क्योंकि क्या होता है सोचने में सब बात एक साथ दिमाग में नहीं आ जाती है, तो ये सामने चार्ट रहेगा ना इस तरह से पूरा टाइमलाइन, तो उससे अपने को थोड़ा आइडिया इजीली मिल जाता है. सो यू जस्ट कम बैक 60 डेज फ्रॉम 13th जनवरी, द डेट विच वी आर गोइंग टू गेट दैट विल बी द डेट ऑफ बिल डिस्काउंटिंग. तो 60 दिन पीछे आना है जी, तो अब हम 60 दिन पीछे आ जाएंगे. हम लोग खड़े हैं लीगल ड्यू डेट पे, दैट इज 13th जनवरी नेक्स्ट ईयर बोलना पड़ेगा घड़ी घड़ी, क्योंकि ईयर अपने को बोला नहीं है. और ये है 13th जनवरी और हमें पीछे आना है. साठ दिन तो हमको जो भी डेट मिलेगा डेट ऑफ बिल डिस्काउंटिंग मिलेगा. करेक्ट, हमारी प्रोसीजर प्रॉपर चल रही है. अभी अपने को एग्जीक्यूट करके ये 60 दिन पीछे चल जाना है. तो क्या हम 13th जनवरी पे खड़े हैं, जनवरी को एग्जॉस्ट करना है. हाँ, हम उल्टा चाहेंगे, जनवरी बोलेगा तो नेक्स्ट ईयर, उससे पहले दिसंबर आएगा. देख लो
तो पहले तो हम जनवरी के 13 दिन पीछे जाएंगे, क्योंकि हम 13 तारीख को खड़े हैं। 13 तारीख से हमको आगे नहीं जाना है, पीछे जाना है। तो कितने दिन जनवरी के एग्जॉस्ट करेंगे, सिर्फ जनवरी महीने की बात करो तो के जनवरी के 13 दिन पीछे जाना पड़ेगा। सीधी बात है ना, 13 तारीख को मैं खड़ा हूं, पीछे जाना है तो 13 दिन पीछे जाएंगे, जनवरी एग्जॉस्ट हो जाएगा। अब देख लीजिए, अपने पास 60 दिन है टोटल, मैं यहाँ कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। 13 दिन हम पीछे चले गए तो और कितना पीछे जाना बाकी है उसका हिसाब मिल जाएगा। 47 मोर डेज टू गो बैक। तो दिसंबर का तो पूरा का पूरा 31 का महीना पूरा 31 डेज उसका एग्जॉस्ट हो जाएगा। देख लो 31 डेज ऑफ दिसंबर, ये जनवरी का एग्जॉस्ट किया, ये दिसंबर का किया, देखो भाई साहब कितना दिन बच गया, 16 दिन बच गया। तो 16 दिन उसके पहले वाले और महीने पे आ जाइए, नवंबर महीने में आइए, 16 दिन खत्म हो गई स्टोरी। ये 16 दिन 31 दिन दिसंबर का और 13 दिन जनवरी का टोटल मिला के मेरा 60 डेज का हिसाब बैठता है। तो 60 दिन में पहले पीछे चले गया, एंड आई एम स्टैंडिंग ऑन 16th नवंबर, I am standing on 16th November. तो 16 November जो डेट मुझे मिला है, मैं 60 दिन पीछे आया हूं, तब जाके ये मुझे 16 November तक के डेट पे मैं खड़ा हूं। तो आप ये तो मैं बैकवर्ड गया हूं, तो एक्चुअल में 16 November जो मुझे आया है ये डेट, ये तो 60 दिन में पीछे आया लीगल ड्यू डेट से, तब मुझे मिला है। तो भी सोच लीजिए 16 नवंबर मंथ के 16th डे पे मैं खड़ा हूं, मतलब हम तो सीधे सीधे आगे बढ़ते हैं ना, डेट ऑफ बिल ड्रॉन से लेकर आगे बढ़ते हैं ना। तो हम खड़े हैं डेट ऑफ बिल डिस्काउंटिंग पे, ये दिन पे, और वो दिन पे तो 60 दिन खत्म हुआ है, मतलब वो दिन 60 दिन खत्म होने का दिन है, मगर वो महीने के कौन से दिन पे मेरा डेट ऑफ बिल डिस्काउंटिंग होना चाहिए। तो यहां मैं लिखता हूं डेट ऑफ बिल डिस्काउंटिंग शुड बी, डेट ऑफ बिल डिस्काउंटेड शुड बी द डे ऑफ द मंथ नवंबर आफ्टर रिमूविंग 16 डेज। जरा बराबर समझना, आफ्टर रिमूविंग 16 डेज of that month, that is वो month November month, November कितने महीने का रहता है, 30 days of November minus 16 days, जो 60 दिन में calculation में included है वो 16 days November के निकाल दें। तो मैं कौन से day पे खड़ा हूं, तो क्या 30 में से 16 निकाल दें वे, 14th नवंबर पे मैं खड़ा हो जाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, 16 ये रिवर्स हो रहा है ना, 60 दिन रिमूव कर दिए, कहां से 60 दिन हम रिवर्स गए हैं, तो क्या ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट से 60 दिन पीछे गए हैं। तो 16 तारीख नवंबर तक का 60 दिन कैलकुलेट हो चुके हैं। तो अब हमें नवंबर मंथ के कौन से दिन पे मैं खड़ा होऊंगा, क्योंकि 16 दिन तो निकाल देने का, क्योंकि वो तो 60 डे में चले गया, तो आई हैव रिमूव्ड दिस 16 डेज फ्रॉम दिस 30 डेज ऑफ नवंबर मंथ, सो आई एम गोइंग टू बी देयर ऑन दैट 14th ऑफ नवंबर, जिस दिन पे बिल डिस्काउंट किया होगा। स्टूडेंट ये ध्यान दे देना, आपको जो क्रॉस वेरीफाई करना हो तो डेट ऑफ बिल डिस्काउंटिंग से लेकर
14 नवंबर आया है, वो हमारे हिसाब से जो 14 नवंबर का जो डेट ऑफ बिल डिस्काउंटिंग है, तब से लेकर आप 60 दिन आगे चले जाओ तो आपको ये लीगल ड्यू डेट 13 जनवरी मिलना चाहिए नेक्स्ट ईयर का, चेक कर लेना। एंड इफ यू आर प्रॉपर तो ये हमारे लिए 60 दिन के हिसाब से आप चेक कर लो, यू विल बी गेटिंग दैट लीगल ड्यू डेट एज पर दैट 13 जनवरी, वो जरूरी है वेरीफाई करना है तो। So that way we can verify it, and student, this is therefore very much important question. This type of calculation, आज मैंने जितने भी varieties question लिए हैं, very very important. So do practice all this type of questions from your exercise, even if you get from the soil example. So you need to have practice. So this is my date of bill discounting. I can write here 14th of November. You can even mention in this chart. 14th November, भाई साहब बहुत ही मजेदार क्वेश्चन रहा ये लास्ट में। ये जो बहुत से लोग 16th November करके छोड़ के आ जाते हैं, 16th November तो डेट पे मैं कभी खड़ा रहता हूँ, तभी फॉरवर्ड कैलकुलेशन में मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी तो बैकवर्ड कैलकुलेशन है, तो बचे हुए दिन जो है वो समझने हैं आपको कि नवंबर में 16 तो निकल जाएगा 60 डेज का कैलकुलेशन में, तो मैं कौन से दिन पे खड़ा हूँ। That means 14th of November will be your date of bill discounting. Students, with this, I am ending this session. Please have proper practice as far as this topic is concerned. Thank you, friends.